बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जिया खान के सुसाइड के चलते केस में पिछले 10 सालों से शक के घेरे में थे। कोर्ट में काफ़ी दिनों तक इनका केस चल रहा था। अभी अप्रैल 2023 में सीबीआई ने इनको सबूतों की कमी के चलते क्लीन चिट दे दी है और अब ये बाइज्जत बली हो गए हैं। तो आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरज पंचोली की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप सूरज पंचोली के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है सूरज पंचोली और प्रोफेशन से एक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1990 को महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 33 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'10" है। इनका आई कलर ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से ये हिंदू थे, अब ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो सूरज ने अपने स्कूल की पढ़ाई पाली हिल स्कूल मुंबई से की और बाद में इन्होंने नेशनल ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो सूरज ने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर गुजारिश मूवी से डेब्यू किया था साल 2010 में। उसके बाद 2012 में इन्होंने बॉलीवुड मूवी एक था टाइगर में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। ये पॉपुलर हुए जब ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस जिया खान ने साल 2013 में सुसाइड की। सूरज जिया की डेथ से पहले उनको डेट कर रहे थे। जिया ने जब डेथ करी तो उन्होंने अपना एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें इन्होंने अपने रिलेशनशिप को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं एज अ एक्टर डेब्यू किया था इन्होंने रोमांटिक एक्शन मूवी हीरो से जो कि साल 2015 में आई थी, जिसमें इनका करेक्टर सूरज कौशिक का था जिसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और उसके बाद इन्होंने सैटेलाइट शंकर और टाइम टू डांस मूवी में भी काम किया। वहीं एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने हवा सिंह से डेब्यू किया जो कि अभी साल 2023 में आने वाली है। उसके साथ साथ इन्होंने म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है साल 2016 में GFNBF सॉन्ग से और साथ ही साथ ये डिम डिम लाइट सॉन्ग में भी दिख चुके हैं। सूरज पॉपुलर मैगजीन के कवर पर भी फीचर हो चुके हैं लाइक फिल्म फेयर, सोसाइटी, स्टारडक्स, एग्जिबिट। सूरज सलमान खान को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि सूरज पंचोली आपको कैसे लगते हैं। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको स्टारडक्स अवार्ड मिला है बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर के लिए साल 2015 में। वहीं इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट मेल डेब्यू के लिए और साथ ही साथ इनको प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड भी दिया गया मोस्ट प्रोमिसर डेब्यू जोड़ी के लिए। साथ ही साथ इनको इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो सूरज के फादर का नाम आदित्य पंचोली है जो प्रोफेशन से एक एक्टर, प्रोड्यूसर एंड सिंगर हैं। इनकी मदर का नाम जरीना वहाव है जो प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं। इनकी सिस्टर का नाम साना पंचोली है जो प्रोफेशन से एक रेस्टोरेंटर हैं। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो ये अनमैरिड हैं। इनकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेट जिया खान था जो प्रोफेशन से एक एक्टर एंड मॉडल थी। इनकी डेथ 3 जून 2013 को हुई थी। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डांसिंग करना काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट एक्टर हैं सलमान खान, रणवीर सिंह। फेवरेट डायरेक्टर हैं कबीर खान। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनको लग्जरी कार रखने का काफ़ी शौक है। इनके पास फर्स्ट कार है जी बेंगलर, सेकेंड कार है मर्सिडीज बेंच एम क्लास ML 250 CDI एंड थर्ड कार है मर्सिडीज बेंच जी क्लास G63 AMG एंड फोर्थ कार है टोयोटा की फॉर्चुनर एंड पांचवी कार है BMW 5 सीरीज एंड लास्ट कार है जेक्वार XJL।
अब इनके बाइक कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास बाइक है दुकाती स्ट्रीट फाइटर V45। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 2 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करते हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग $5 मिलियन है। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 40 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी सूरज पंचोली की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।